नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रियंका साहू। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंबिकापुर शहर के बसंत मल्टीप्लेक्स में लगी छत्तीसगढ़ी फिल्म इश्क मार रिस्क है कि आज प्रीमियर शो के दौरान फिल्म के कलाकार वहां पहुंचे, जहां उन्हें देखने काफी संख्या में दर्शक इकट्ठे हुए। लायरा फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले और सरगुजा की खूबसूरत वादियों में बनी यह छत्तीसगढ़ी फिल्म इश्क मार रिस्क है एक पारिवारिक छत्तीसगढ़ी फिल्म है और यह फिल्म लोगों को मनोरंजित कर रही है। और यही वजह है कि काफी दिनों से यह फिल्म कई सिनेमाघरों में नॉनस्टॉप चल रही है। सरगुजा की हसीन वादियों एवं खूबसूरत नजारों ने दर्शकों के साथ साथ कलाकारों का भी मन मोह लिया है। इस फिल्म के मुख्य किरदार मन कुरैशी, अनुकृति चौहान, संजय बत्रा सहित स्थानीय कलाकार भी हैं। वहीं इस फिल्म को लायरा फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया, जिसका बजट लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं इस प्रीमियर शो के दौरान फिल्म निर्माता और निर्देशक भी वहां मौजूद रहे। एक ऐसी बेटी है जो अपन माँ बाप के बहुत इज्जत करते और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की हर बेटी के अंदर एक ये रिस्पेक्ट तो माँ बाप पर रहते कि बोला अपन 100 चीज जिंदगी कुर्बान कर रहे, पढ़ी ना कर लेते, लेकिन अपन माँ बाप के रिस्पेक्ट और इज्जत ला कबू पिछड़े पर नहीं दे। तो मोर करेक्टर भी कुछ ऐसे ही है। हाँ, वेल एजुकेटेड। राजधानी रायपुर में जालसाज अब अलग अलग पैतरे अपनाकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। ठगी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। और इसी सिलसिले में राजधानी रायपुर के डीडी नगर चंगोरा भाटा निवासी जागेश्वर चचाने के साथ ठगी हुई। जानकारी के मुताबिक उनके द्वारा कराई गई पॉलिसी बंद हो गई थी, जिसे चालू कराने के नाम पर फोन से अज्ञात व्यक्ति ने अलग अलग बार खाते में 3,45,000 रुपए जमा करवा लिए और गायब हो गया। जब खाता चालू नहीं हुआ तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ और डीडी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। शिकायत दी गई कि बंद पॉलिसी चालू कराने के नाम पर अज्ञात मोबाइल नंबर धारक द्वारा जो है इनके साथ लगभग 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इनकी शिकायत पर भी थाना डीडी नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में जो अज्ञात मोबाइल धारक है और उनके पदस्थ के प्रयास जारी है। अज्ञात मोबाइल नंबर धारक द्वारा इन्हें जो है बंद पॉलिसी जो है उसको चालू कराने के नाम पर धोखाधड़ी का रकम का गबन किया गया है। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दुनिया में भी चौथी लहर को लेकर हाय तौबा मची हुई है। कोरोना की शुरुआत चीन से हुई थी और अब चीन में ही चौथी लहर का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और भारत में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला तेज हो गया है। चौथी लहर और XE वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बिलासपुर का स्वास्थ्य विभाग भी अब मुस्तैद हो गया है और उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी प्रमोद महाजन ने बताया कि जिले में इस वक्त 3 कोरोना के मरीज हैं, जिनका इलाज होम आइसोलेशन के जरिए किया जा रहा है। उनकी स्थिति सामान्य है और उनमें अब तक XE वेरिएंट का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिया है जो पहले थे, लेकिन सीवियरिटी कितनी है ये अभी देखना पड़ेगा। सीवियरिटी उतनी नहीं है जैसे पहले सेकंड लहर में थी, जैसे थर्ड लहर है उसी टाइप की हो रही है। ये जो 3 कोरोना से पीड़ित था वो लोग, उनमें चौथी लहर का सिस्टम कुछ है? नहीं नहीं, उसमें नहीं, पुरानी वाला है। राजधानी के समीप अभनपुर रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर एक बस ट्रक से टकरा गई और एक कार को भी अपने चपेट में ले लिया, जिस वजह से बस पलट गई। इस भीषण हादसे में कई लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। वहाँ खड़े लोगों ने बताया कि रेडियंट पब्लिक स्कूल से पहले बस और एक ट्रक की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद बस की चपेट में एक कार भी आ गई। हादसे के दौरान बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें से कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क के दोनों तरफ एक लंबा जाम लगा रहा। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर कार और बचाव का काम शुरू कर दिया। इलाज के लिए भेजा गया और फिर उसमें अभी जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति जो सृजन अग्रवाल नाम का था, कार का चालक था, उसकी मृत्यु हो गई बाद में इलाज के दौरान। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।